नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। जॉनडियर ट्रैक्टर पे जो है लोडर लगा हुआ है और घंटों का काम मिनटों का सेकंडों में कर रहा है ये। पहले इसी काम को करने के लिए अगर मजदूर लगते थे तो एक ट्रॉली कम से कम चार मजदूर लगते थे और एक घंटे का कम से कम टाइम लेते थे वो ट्रॉली को भरने के लिए। लेकिन अब यही काम ट्रैक्टर पे जो डोजर लगा हुआ है कुछ ही मिनटों में ये ट्रॉली को लोड कर देती है। तो चलिए स्टार्ट। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग कंपनी के ऐसे ट्रैक्टर जो डोजर के लिए बेस्ट माने जाते हैं। डोजर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे हम कम समय में कैसे काम कर सकते हैं और डोजर मशीन को कब और कैसे उपयोग करें। तो चलिए, डोजर ट्रैक्टर का ऐसा इम्प्लीमेंट है जिसे हम ट्रैक्टर के आगे लगाते हैं और डोजर को चलाने के लिए ट्रैक्टर को कम से कम 45 एचपी का होना ज़रूरी है। अगर इससे बड़े एचपी का ट्रैक्टर हो तो ज़्यादा मशीन को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। जिससे ट्रैक्टर में डोजर लगाना है उस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक पंप फ्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे डोजर को चलाने में आसानी होगी। उस ट्रैक्टर का इंजन उच्च पावर वाला होना चाहिए और ट्रैक्टर का एयर क्लीनर और रेडिएटर थोड़ा बड़े आकार का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब डोजर को ज़मीन में चलाते हैं तो रेडिएटर और एयर फिल्टर ट्रैक्टर में फ्रंट होने के कारण डायरेक्ट धूल जाती है। अगर ट्रैक्टर का रेडिएटर छोटा होता है तो रेडिएटर में धूल से जल्दी ब्लॉक हो सकता है जिससे ट्रैक्टर गर्म हो जाता है और फिर काम करने में प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा गर्म होने पर ट्रैक्टर बंद हो सकता है, लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, डोजर मशीन की ऊँचाई लगभग 2 से 3 फीट तक होती है तथा ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है। जब डोजर को किसी भी ट्रैक्टर में जोड़ते हैं तो डोजर के लिए ट्रैक्टर में अलग से लेवलिंग गियर लगाए जाते हैं जिससे डोजर को ज़रूरत के अनुसार ऊपर या नीचे किया जा सकता है। डोजर मिट्टी पर डंप्ड करता है। मिट्टी को कितने समय में समतल बनाया जा सकता है, अगर मिट्टी हल्की गीली है तो डोजर चलाते समय ट्रैक्टर पर भी लोड कम पड़ता है और मिट्टी के लेवल को कम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वही अगर मिट्टी सूखी है तो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी सूखी होने के कारण डोजर कम मिट्टी को ही समेट पाता है। इसके लिए आपको कल्टीवेटर या प्लाव से जुताई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही डोजर से उस ज़मीन को समतल बनाया जा सकता है। डोजर की ब्लेड को चेंजिंग किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार डोजर की सहायता से ऊँची नीची ज़मीन को समतल बनाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, जॉन डियर 50D ट्रैक्टर है ये और ट्रैक्टर को बहुत ही आसानी से लोड करने में ये कितना मददगार है, बहुत ही आसानी से मिट्टी को उठा लेता है। इसके अलावा एक ट्रॉली को भरने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लेता है। इसी के साथ साथ अभी ये जैसे ट्रॉली भर के गई है उसी के साथ जो मिट्टी फैली हुई है उसको समतल भी कर रहा है। और आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा लगभग जो ये डोजर है, डोजर के झब्बे में कितनी मिट्टी आती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जो डोजर का झब्बा होता है इसमें लगभग 8 से 10 क्विंटल के आसपास मिट्टी आ जाती है और एक ट्रॉली को भरने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लेता है। और जो ये ट्रॉली होती है, ट्रॉली में लगभग 50 से 60 क्विंटल के आसपास मिट्टी आ जाती है। तो अभी जो ये इस मिट्टी को भर रहा है पूरी, मतलब ऊपर तक भर देता है मिट्टी को, और अगर इसी काम को करने के लिए लेबर लगाई जाती है तो आज की डेट की माने तो एक लेबर का किराया मानते हैं, मजदूरी दिहाड़ी मानते हैं 500 रुपये। तो एक ट्रॉली को भरने में कम से कम 4 मजदूर लगेंगे और 4 मजदूर लगभग पूरे दिन के लिए 2000 रुपये में होंगे। और वही देखिए, 2000 रुपये में ये आपको ट्रॉली, मतलब एक दिन में लगभग 6 से 8 ट्रॉली ये भर पाएंगे मजदूर। और आप देखिए, डोजर के माध्यम से एक ट्रॉली को भरने में 8 से 10 मिनट का समय लग रहा है। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर एक ऐसा यंत्र है जो कि किसान के काम बहुत ज़्यादा आता है और 95% आज की रेट में ट्रैक्टर से खेत के सभी कार्य किए जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हम जॉनडियर के ट्रैक्टर की डोजर की बात करते हैं तो ये डोजर लगभग 2.5 लाख रुपए तक आप इसे अपने ट्रैक्टर में लगवा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया, अगर आप अपने किसी ट्रैक्टर में डोजर लगवाना चाहते हैं तो कम से कम 45 HP का ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। और अगर उससे कम का आप ट्रैक्टर लगाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जॉन डियर ये ट्रैक्टर है इसके आगे के पहिए बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं क्योंकि पिछले पहियों के मुकाबले आगे वाले पहिए ज़्यादा काम करते हैं।
तो अगर आप चाहें तो 616 के इसमें अगले टायर लगते हैं, 616 के आप इसमें यानी 4 टायर लगा सकते हैं, दो दो टायर लगा सकते हैं, क्योंकि एक टायर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और सबसे ज़्यादा ये दबता भी है, तो इसी हिसाब से आप इसमें 4 टायर लगा सकते हैं। और अगर हम पिछले टायर की बात करते हैं, 13x28 का इसका पिछला टायर होता है, और इसमें जब इसे आप लोडर पे कार्य करते हैं तो इसमें हवा का दाब आप थोड़ा ज़्यादा ही रखें, यानी 24 पाउंड इनके टायर में हवा आती है, तो वो बेटर होता है। अगर कृषि कार्य के लिए खेत में आप उपयोग कर रहे हैं ट्रैक्टर को, तो हल्का हवा का दाब कम रहता है। और आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि ट्रैक्टर के टायर में हवा के अलावा पानी भी भरा जाता है, लेकिन पानी उन ट्रैक्टरों में भरा जाता है जो प्रतिदिन कार्य में लिए जाते हैं, क्योंकि डोजर का काम हमेशा तो नहीं रहता, तो इस वजह से जो ट्रैक्टर निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, ढुलाई के कार्य में लगे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टायर होते हैं वो ज़मीन से अच्छी पकड़ मजबूत बनाते हैं जिन टायरों में पानी भरा होता है। तो एक हफ्ते से ज़्यादा आप ट्रैक्टर को खड़ा नहीं कर सकते जिस ट्रैक्टर में के टायर में पानी भरा होता है। तो किसान भाइयों, और आपकी एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल ना भूलें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।